कितना बेवा लोग है, कितना बेरोजगार है, कितना 100 करोड़ कितने लोगों को अब इसमें एक चीज़ हो रही है। जैसे अगर गेट एक ही रहता है तो उसमें यहाँ शाम को आप ट्रैफिक देखो, आप आदमी कल मैं आया हूँ ना सर, और सब जितने ऑटो थाने वाले जानते हैं अभी थाने से ये फ़ोन करेंगे, थाने वाले आ जाएंगे, अभी 10 मिनट चला जब शाम को। तो इसलिए आपकी जैसे समाचार पत्रों के द्वारा मुझे ज्ञात हुआ कि आनासागर 12 दरी पर 1 मई से 25 रुपये का टिकट लगाया जा रहा है। मैंने हमेशा यहाँ पर आकर मालूम किया, अफसर से आज मिलने के लिए यहाँ आया। जो टिकट लगा रहे हैं यहाँ मूलभूत सुविधाएं कोई भी नहीं है, न यहाँ पे कोई टॉयलेट है, न यहाँ पर कोई ऐसा है कि भैया लेडीज़ का है, पानी पीने की कोई सुविधा नहीं है, रात्रि को यहाँ पर टोटली अंधेरा रहता है। जबकि इनके जो गेस्ट हाउस है उसमें एसी चल रहे हैं, जनता के लिए कोई सुविधा नहीं, टैक्स अगर और न यहाँ कोई पार्किंग की सुविधा है। उसके संग का संग सुबह जो है सूर्योदय से इन्होंने कहा कि सूर्योदय से जैसा लिखा कि हम सूर्योदय से खोलेंगे। अच्छा, आने वाले जहरीन उन लोगों को भी है, ये बहुत भारी पड़ेगा। एक परिवार अगर जो है अगर 20 आदमी उसके संग में आए और वो 25-25 रुपये देकर क्या 12 दरी को देख सकेंगे? यहाँ पर 3 गेट है, 3 गेट में से 3 गेट पे ये गार्ड बैठा हुए और गार्ड बैठा कर सुरक्षा करें। हमारा विरोध इस मुताबिक रहेगा, पहले तो ये है कि सुबह घूमने वालों को ना रोका जाए, उसका टाइम फिक्स किया जाए, सीनियर सिटीजन के लिए माफ़ किया जाए टैक्स। दूसरी बात, यहाँ पर अगर ये लोगों ने नहीं किया तो हम लोगों का आंदोलन छेड़ कर भूख हड़ताल तक भी जाने की नौबत आएगी तो हम लोग जाएंगे। मेरा आचार संहिता के अंदर इन्होंने जो काम किया वह अवैधानिक, न्यायपूर्ण, असंगत है। शिकायत करोगे आप? हाँ, मैं शिकायत करूंगा इसका चुनाव आयोग से भी। नाम बताएं। मेरा नाम रणजीत मल्लोडा, स्टेट सोशल वर्कर, गुजरात बड़ौदा से है। हम यहाँ पे अजमेर शरीफ दरगाह शरीफ में घूमने मतलब दरगाह पर आए हैं, लेकिन जस्ट हम जब भी आते हैं, हम 4 से 5 साल से आ रहे हैं, अभी तक यहाँ पे हमने कभी 1 रुपया भी नहीं दिया सिवाय अपने आइडेंटिटी कार्ड के। अगर 25 रुपये हो या 5 रुपये हो या 10 रुपये हो, तकलीफ तो हमें पड़ने वाली है। हमको आने जाने का ही इतना पे करना पड़ता है कि हमको उसमें भी कंफर्टेबल नहीं लगता। तो अगर 25 रुपये लेंगे तो हम अगले साल नहीं आएंगे। हमें पता नहीं था, जब हम अभी अंदर बैठे थे हमको पापड़ वाले ने बोला कि कल से 25 रुपये हो जाएगा, तो हम 4 से 5 साल से आ रहे हैं यहाँ पर, और 25 रुपये अगर जो भाड़ा हो जाएगा यहाँ का तो हम नहीं आने वाले अगले साल। तो क्या होना चाहिए? क्या नहीं होना चाहिए भाई नुकसान। अगर जो मेन गेट अगर जो 12 दरी का गेट आने जाने का रास्ता है और शुरू से 50 साल से यही गेट खुला आता रहा है, हमारी यहाँ पे कम से कम 25-30 साल से दुकान है, आने जाने पब्लिक वापस आएगी वापस जाएगी तो हमारा रोज़गार बंद हो जाएगा। क्या ये नहीं होना चाहिए? और टिकट भले टिकट प्रशासन लगा हुआ है लेकिन टिकट भी 25 रुपये बहुत ज़्यादा हाई है, पब्लिक सुन के ही वापस चली जाएगी, रिटर्न हो जाएगी। बिल्कुल घूम के जाना माता के मंदिर से है, जो बजरंगबली मंदिर पे घूमने आते हैं अगर उनको अनासागर में जाना होगा तो बिल्कुल लंबा टर्न होगा उनका, छोटे छोटे बच्चों परेशानी होगी, और इतने पैसे देख के तो वैसे ही अंदर कोई नहीं जाएगा। क्या बाहर से जो टूरिस्ट खास तौर पर अनासागर 12 दरी है देखने लोग आते हैं, उनकी मतलब इच्छा ख़त्म हो जाएगी। नाम बताया? ईश्वर हरवानी, शिवशंकर चाट, बंदा। ट्रैफिक जाम इसलिए नहीं होगा कि ये जो ट्रैफिक जाम तो अभी हो रहा है जब तक टिकट नहीं है, टिकट लगने के बाद ट्रैफिक जाम की स्थिति खत्म हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? कि 25 रुपये में देखने वाले बहुत कम लोग होंगे। इतने लोग जो बिना शुल्क के आ रहे हैं ना, उनका 10% मेरे हिसाब से 10 से 15% लोग देखेंगे। ये रोजाना आने वाले देखेंगे कैसे, क्या करेंगे देख के बताइए? जो कोई अभी छाया में बैठे होंगे, धूप की वजह से छाया में बैठे होंगे, वो लोग थोड़ी आएंगे 25 रुपये देकर। यहाँ वो लोग आएंगे जो बाहर से आएंगे, जिनको पता होगा कि 12 दरी कोई देखने की चीज़ है। बाकी यहाँ का लोकल तो आएंगे। तो किसने बताया था वोटिंग की तरफ वाला जो अभी दीवार का आपका खड़ा करने का? नहीं ऐसा नहीं, अभी तक तो हमने तो ऐसा कुछ हमारी तरफ से कुछ नहीं। जैसे टिकट लेके अंदर हमारी तरफ से ये ज़रूरत है नगर निगम से वार्ता की जाएगी, और उस संबंध जिस तरह से ही वार्ता में जो निष्कर्ष निकलेगा दोनों की सहमति से वो कर लेंगे। तो चौपाटी से भी लोग आते थे। हाँ, तो उनके लिए क्या व्यवस्था रहेगी जैसे आप टिकट लागू करेंगे? वो अभी नहीं कह सकते क्योंकि वो बातचीत होने के बाद, नगर निगम के बाद मीटिंग कर लेंगे उनके साथ। ये कहा गया हमारे अधिकारियों द्वारा कि उनके साथ मीटिंग कर लेंगे, जैसा निष्कर्ष निकलेगा। वो भी नहीं चाहेंगे फालतू भीड़ भाड़, ये। और नगर निगम पहले तो लोकल प्रशासन का सहयोग चाहिए ना हमें, बिना लोकल प्रशासन के तो कुछ ही नहीं कर सकते हम लोग। तो उनका सहयोग पहले चाहिए, वो अगर सहयोग करेंगे तभी आगे बढ़ पाएगा, नहीं तो कैसे बढ़ेगा। कब से टिकट लगाना चाह रहे हैं? कल से 1 तारीख से। 1 तारीख से अजमेर में 12 तारीख पर आने वालों के लिए टिकट और बाहर से आने वाले नागरिक के लिए 300 रुपये। देखिए मैं बता रहा हूँ ना, मैं इसके लिए अधिकृत नहीं हूँ।